तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉट EC5250, जो कि हम इसका पूरा सिस्टम और इसका ड्रम कितना चौड़ा है, कितना और इसका मशीन का कितना लंबाई है, कितना हाइट है इसका, सबके बारे में हम बात करेंगे। और इसका डीजल टैंकी, हाइड्रोलिक टैंकी और ड्रम का ऑयल टैंकी, मतलब ऑयल का कितना कैपेसिटी होता है, कितना ऑयल लगता है, इंजन कौन सा लगता है, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, मतलब ज़्यादातर मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आप चलाने का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ पर जाके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं स्कॉट EC5250 के बारे में। तो सबसे पहले हम लंबाई के बारे में बात करेंगे। इसका जो लंबाई है पूरा टोटल रोलर का जो लंबाई होता है वो होता है 5460 mm, और मीटर में इसका होगा 5.46, ठीक है। और इसका जो हाइट होगा अपना रोलर का वो मैं बता देता हूँ आपको, 3045 mm, और मीटर में होगा आपको 3.04 meter। और इसका जमीन से पैनल तक का हाइट वो होगा 2334 mm, और मीटर में 2.33 meter। तो चलिए रोलर का मैं जो ड्रम होता है, ड्रम का कितना चौड़ाई होता है और चौड़ाई बता देता हूँ। ड्रम का चौड़ाई होता है 2130 mm, और मीटर में होगा 2.13 meter, ठीक है। और जो टोटल चौड़ाई होता है रोलर का वो होता है 2280 mm, यानी कि जो मीटर में 2.28 meter, ठीक है। की मोटाई होती है वो होती है 20 से 22 mm का करीब होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम आगे इसके बारे में आपको बता देते हैं, जो कि इसका इंजन के बारे में और भी डिटेल सब हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, इसका जो कि डीजल टंकी है 300 लीटर का टंकी होता है, 300 से 320 का करीब में ऐसा होगा टंकी। और जो इसमें हाइड्रोलिक ऑयल है वो 68 नंबर का ऑयल लगता है, और जो कि ये 80 लीटर आएगा, 80 लीटर के आसपास 80 लीटर ही आता है। और इसका ड्रम का जो ऑयल होता है, ड्रम में जो ऑयल पड़ता है वो 5 लीटर ऑयल पड़ता है। तो वाइब्रेटर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है 30 हर्ट्ज होता है, ठीक है। और इसका स्पीड जो है, अगर वर्क कर रहे हैं उस टाइम में 6 से 9 के स्पीड में आप चला सकते हैं, और जितना स्लो चलाएंगे वो आपके लिए ही फायदा रहेगा, अच्छा काम होगा। और ट्रेवलिंग स्पीड आपको जानना है तो ये देखिए 10 से 23 के बीच में हमारा स्पीड देता है, ठीक है। और इसका वेट मैं बता दूं, जो कि ऑपरेटिंग वेट है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वेट 11 टन 950 किलो। और दूसरा मैं बता दूं, ऑपरेटिंग वेट ये होता है 10 टन 950 किलोग्राम, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसमें 2 टायर लगते हैं, एक टायर में 200 से 250 के बीच में इसमें पानी लगता है, ये ट्यूबलेस टायर है। और इसमें हवा जो है 20 से 25 के बीच में हवा रहता है, जो कि इसका टायर का कंडीशन के हिसाब से हवा डाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जान गए हैं। तो अब इंजन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, इसका इंजन जो होता है किर्लोस्कर का इंजन होता है, और ये हमारा इंजन 4 सिलेंडर का वाटर कूलेंट होता है, ठीक है, इसमें वाटर कूलिंग डलता है। इसका इंजन का मैं हार्स पावर यानी HP के बारे में बात करूं तो इसका इंजन 105 HP का होता है, यानी 105 हार्स पावर का। इसका RPM होता है जो 2200 RPM होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो कि हाई आइडल स्पीड होता है इंजन का, जो RPM होता है वो 2450 होता है, और जो कम से कम होता है 50 RPM होता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसका फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो है मैकेनिकल रोटरी पंप, ठीक है। और इसमें जो हमारा इंजन स्टार्ट होता है वो 12 वोल्ट का बैटरी चाहिए, इसमें एक बैटरी लगता है 12 वोल्ट का, और 55 AMP का अल्टरनेटर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।